असम फ्रेंड, आज मैं आपको वीडियो में एक नई चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। मैं कुछ दिन के लिए घर से बाहर था, गांव गया था। ये देखिए, ऊपर हमारा एक वॉशरूम है और मैं दिखाना ये चाह रहा हूँ। ये ऊपर एरिया, यहाँ से एक फाक आई और ये देखें फाफ्ता ही यहाँ पे। जब मैं गांव से वापस आया हूँ तो यहाँ पे अंडे पड़े हुए थे फाफ्ता के। जब फाफ्ता उड़ के गई नीचे, देखा तो मैंने अंडे पड़े हुए थे। पहले मैंने सोचा कि उठाऊँ इधर से, बाद में मुझे ख्याल आया कि रहने दें, और फिर मैंने एडिटिस अंडों को यहाँ छोड़ दिया। आज मैं ऊपर आया हूँ, देखे ये फाख्ता के दो बच्चे हैं। जिसमें फाख्ता, जिसको अपनी जबान में डार और इंग्लिश में डोर, उर्दू में फाख्ता। ये देखिए बड़े प्यारे प्यारे हैं दोनों, इनोसेंट। ये वॉशरूम के ऊपर जो है ना, ये शैम्पू वगैरह रखने के लिए कार्नर की जगह थी। ये इस तरफ से फाख्ता पायर से आई, यहाँ पे उसने ये घोंसला बनाया है। और अब एक तो मैं ये, मुझे बड़ा अच्छा भी लगा और थोड़ा मुनफरिद लगा, मैंने वीडियो भी आपसे शेयर की। और दूसरा मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या मैं इस बच्चों को उठा के एक पिंजरा ला के उस पर बंद कर दूँ, फाख्ता भी साथ रख लूँ, या एज इट इज यहाँ पे ही रहने दूँ जब ये बड़े हो जाएँ, उड़ जाएँ। ये करनी वीडियो में कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मुझे क्या करना चाहिए, कि बच्चों को हेरिटेज यहाँ ही रहने दूँ और यहाँ से ये बड़े हो उड़ जाएंगे, या मैं खुद से एक पिंजरा लाऊं और बच्चों को और फाख्ता को उसमें रखूँ। ये फाख्ता जो है बड़ी एक मासूम और इनोसेंट परिंदा है, और उसके लिए बच्चों को देखिए। ये मैं और जूम करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये फर्स्ट टाइम मैंने देखा है इस तरह के। एक ऊपर हमारा ऊपर वाला पोर्शन है, उसका ये वॉशरूम है, और ये ऊपर ही यहाँ से एग्जॉस्ट भी रखा, तो फैन मैंने नहीं लगाया था। और ये यहाँ से फाख्ता आई है, यहाँ उसने घोंसला बनाया, अंडे दिए, और ये माँ उसके बच्चे आए। तो फिर वो दोबारा रिपीट करूँगा, क्या मुझे एज इट इज इनको रहने दूँ या अपना ला के उसमें रखूँ, फाख्ता भी साथ। ये ज़बरदस्त मुझे लगा, मैंने कहा चलो दोस्तों के साथ शेयर करूँ। अल्लाह हाफिज़।